नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। किसानों का मुद्दा और भी गर्मा गया है, किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इसी को लेकर किसानों का जत्था पूरा केएमपी एक्सप्रेसवे पे पहुंच गया है और वहां पर किसानों ने अपनी ट्रैक्टर मार्च निकाला है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये 26 जनवरी को लेकर पहले की तैयारी है। क्या कुछ कहना है यहाँ के किसानों का, आइए बात करते हैं। किसानों का इतना बड़ा जत्था निकला है, वो कहां तक जाएगा सर? ये किसानों का जो आप देख रहे हैं दिल्ली के 5 बॉर्डरों पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये चारों जो भी धरना प्रदर्शन स्थल है वहां से चल के ये आपको सारे जो आपको केएमपी पेरिफेरल जिसको कहते हैं कुंडली मानेसर पलवल पेरिफेरल एक्सप्रेस वे उसको होता हुआ सारे धरना स्थलों को ये करता हुआ वो एक्सप्रेस वे से जाएगा। उसमें जैसे कि टीवी मतलब गोदी मीडिया द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था पिछले दिनों कि इससे ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, दिल्ली वालों या नोएडा वालों को परेशानी होगी, मुझे ये कहना है इसमें किसी भी आवाम को आम जनता को कोई खास परेशानी इसलिए नहीं है कि चूंकि ये केएमपी एक्सप्रेसवे जो है इसमें आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं है आज के तारीख में। क्या किसान खुश नहीं है बिल्कुल भी? कब तक लगेगी उम्मीद, कुछ दिख रही है? किसान हटे बीमारी ना है, ठंड इतनी हो रही है, असर नहीं पड़ रहा। हाँ ना हटे रहे, डटे रहेंगे। हाँ डटे रहेंगे, हम बूढ़े पहचाने पड़ते हैं, हम हटे रहे भाई। किसान आंदोलन को 43 दिन होने को है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, हम बात करेंगे। मैं राजेंद्र वैद्य हूँ, राजस्थान प्रदेश भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम भी इस आंदोलन में लगातार तभी से जूझ रहे हैं, लग रहे हुए हैं। क्या लगता है इतना बड़ा जत्था निकला है, आज ट्रैक्टर रैली निकली है, ये 26 जनवरी की पहले की तैयारी? नहीं देखिए, हमको 26 जनवरी मनाना, 26 जनवरी 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और उसको अब की बार जैसे विदेश के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं हमारे अतिथि के रूप में आते हैं, अच्छी बातें हैं और उसको पूरे राष्ट्र को मनाना चाहिए। अब की बार हम मोदी जी की बड़ी मेहरबानी हुई है किसानों के ऊपर कि पूरे देश के किसानों को दिल्ली में इकट्ठा कर दिया उन्होंने, चाहे वो के, तो आज हम 26 जनवरी क्यों नहीं मनाएंगे, बड़े प्रेम से मनाएंगे और बड़े उत्साह। बात हो रही है कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे, मनाने में 26 जनवरी और कूच करने में फर्क है? नहीं नहीं देखिए, हम अभी दिल्ली के बॉर्डर पर हैं चारों तरफ, हमने अंदर दिल्ली में नहीं घुसे, हम जिस दिन दिल्ली में घुसेंगे उस दिन ये सरकार बाहर आ जाएगी। क्या ये मार्च की तैयारी है, बैग वैग पैक है? हाँ फुल तैयारी है मैम, अभी घर से और आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी रामपुर। कैसी कट रही है सड़कों पर रात, इतनी ठंड है उसमें ये आंदोलन? हाँ जी कर रही कट रही है, अब गे जो है सरकार जो है गे तो किसान को बिल्कुल गड्ढे में ले जा रही है। कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है, बात तो बहुत हो रही है, कोई उम्मीद ना, भरोसा रह गया है सरकार से कि उठ गया है? अब भरोसा तो कर रहे हैं, मालूम पर है तारीख पे तारीख धर रहे हैं। क्या लग रहा है कि तारीख पे तारीख ही मिलेगी या कोई हल भी निकलेगा? अभी हाल में बैठक हुई उसमें फिर एक नई तारीख दे दी, क्या लग रहा है कि तारीख कुछ काम आएगी कि फिर एक नई तारीख मिलेगी? देखो उम्मीद कर रहे हैं जो तारीख आवे। जो आज जत्था निकला है किसानों का, वो उसमें कहाँ कहाँ के किसान शामिल हुए हैं? मैम यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, कई जगह के। लगभग कितने किसानों की संख्या होगी? मैम करीब 2000 के, डेढ़ 200 ट्रैक्टर निकले ये रैली। आप यहाँ पे हैं, आप नहीं शामिल हुए? नहीं अभी हम आए हैं ना। क्या उम्मीद लग रही है, बात बन पाएगी इस बार? बनेगी, बात बनेगी। जनवरी के पहले की ये तैयारी है, मॉक ड्रिल की नजर से देखा जा रहा है, क्या वो है? हाँ जी। यहाँ पे तो सरकार बोल रही है खाली कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहीं से किसान आ रहे हैं, आप तो यूपी से हैं फिर भी आप यहाँ पे हैं? हाँ तो भाई जो तो किसान आंदोलन है ना। अच्छा चाचा, अगर आप यहाँ इस समय यहाँ पे है तो खेती कौन कर रहा है? खेती हमारे बालक देख रहे हैं। धरने पे बैठे हैं, बालक खेती देख रहे हैं? और क्या है, इस उम्र में दिक्कत नहीं हो रही इतनी ठंड में आप यहाँ पे? हाँ। दिक्कत का है कि देश खातिर दिक्कत है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा
क्या लगता है आपको, बात बन पाएगी इस बार की नहीं बन पाएगी? बनी कैसे नहीं। सरकार मूड में तो दिख नहीं रही है, लग नहीं रहा है कि संशोधन की बात कर रही है, लेकिन उस पे किसान तैयार नहीं है। जब जले किसान की मनमानी नहीं हुई, तले कैसे काम चली जाता। वो 7 दौर की बात हुई है, उसमें केवल नई तारीख मिली है। इस बार की तारीख जो मिली है, क्या बात बनने की उम्मीद है या नई तारीख देने की उम्मीद? देखो ऐसा है, हम तो उम्मीद के साथ बैठे हैं, और किसी वजह से बात नहीं बनेगी तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। बैठने से हल निकल जाएगा? हाँ निकलेगा जी। कहाँ से आए हैं आप? हम संभल से आए जी। आप अकेले हैं या आपके साथ और भी वहाँ के लोग हैं? हमारे साथ करीब 50 किसान और हैं। 50 किसान। आज ट्रैक्टर का जत्था निकला है, आप वहाँ शामिल क्यों नहीं हुए? आप यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए? हम गए थे उनके साथ, और फिर हमारे नेताजी ने हमें यहाँ पे भेज दिया, गोल मंच के पास ही रहना। किसानों को कोरोना नहीं है, किस आधार पे आपने कह दिया? अभी तो नया स्ट्रेन भी कोरोना का आ गया। देखो ऐसा है, हमें खूब पता, हमें यहाँ रहते हो 22 दिन हो गए, और हमें तो यहाँ कोरोना दिखाई दे नहीं रहा। कोरोना होता है जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। कोरोना होता तो पता चलता है ना, पहले उसका टेस्ट होता है तब पता चलता है कि कोरोना है। देखो जी, टेस्ट तो जब होता हमें होता कोरोना, हमें तो कोरोना हो ही नहीं रहा। आपने टेस्ट कराया है क्या? मेरा टेस्ट तो नहीं कराया। आपने सुना कि क्या कुछ किसानों का कहना है, ये कहीं ना कहीं 26 जनवरी से पहले एक तैयारी है, मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है। किसान का आंदोलन इतना उग्र होता जा रहा है, इनका कहना है कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन सरताज के साथ नेहा परिहार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।